हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस बी कूल टेस्ट में। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने पीएफ अकाउंट के बैलेंस का पासबुक कैसे चेक करें या फिर कैसे डाउनलोड करें। बहुत इजी है फ्रेंड, तो इसके लिए हमको जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र या फिर किसी भी अन्य ब्राउज़र पर आप जा सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में। ठीक है, जैसे हम अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, इसमें हम लोग टाइप करेंगे, सर्च करेंगे ईपीएफ पासबुक। टाइप करने के बाद इसमें हमको करना है, सर्च करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें लिखा है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है मेंबर पासबुक ईपीएफओ। इसमें हमको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करने के बाद हमारे सामने लिखा हुआ है, ये ऊपर में लिखा है यूजर नेम, आपको दिखा दे रहा हूँ, ये इसमें ये लिखा है यूजर नेम लिखा है। इसमें अपना ईमेल नंबर डालना है और इसमें नीचे में पासवर्ड डालना है और यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहा है इसमें कैप्चा को फिल करना है। ठीक है, इतना करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले मैं अपना ईमेल और पासवर्ड और कैप्चा शो कर लेता हूँ। ठीक है, तब तक था मैं सो फ्रेंड, जैसे हम लोग अपना ईमेल और पासवर्ड डाल लेंगे और कैप्चा इंटर कर लेंगे, उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे तो नीचे राइट साइड में कुछ दिख रहा है, ये इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको इस साइड स्क्रॉल करेंगे, फिर नीचे लिखा है ओपन लिखा है, ओपन में क्लिक करेंगे तो हमारा पासबुक जो है डाउनलोड के लिए आ जाएगा। ठीक तो फिर इसको, तो जैसे इसको ओपन करेंगे,